सिर्फ लिट्टी भी लेता है तो उसको मीट का रस मिलता है साथ जी। अच्छा, क्या रेट हो गया इसका? इसका पड़ेगा 2 का 8 रुपया। 8 रुपये में मटन के ग्रेवी के साथ लिट्टी। कॉन्सेप्ट लग रहा है ऐसा कि हम लोग को कुछ लड्डू वड्डू दिया गया, ऊपर से थोड़ा सा रबड़ी डाला गया। 1 बजे आप खोलते ही हैं, 2 बजे ख़त्म जी। अच्छा, 1 घंटा में ख़त्म हो जाता है सारा स्टॉक। तो मटन का तो हम लोग बहुत सारा वीडियोस बना रखे हैं, बट मोस्टली कहीं भी जाते थे वहाँ एक आइटम बनता था, बट आज हम लोग जिस जगह पर आए हैं वहाँ एक आइटम नहीं, पूरा मटन का मेला लगने वाला है, वो भी बहुत कम रेट में। जो आप कैप्शन में पढ़े हैं 7.5 रुपये से स्टार्ट है यहाँ मटन का मेला। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आज हम लोग एक हिडन जेम को एक्सप्लोर करने आए हैं जिसके बारे में हमारे सब्सक्राइबर बताए हैं। एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो कहीं बताए थे कि अशोक राजपथ वाले एरिया में मटन और कलेजी मिलता है। इधर हम लोग आए, पूरा रिसर्च किए, खोजे, पता किए और फाइनली जाके उस जगह को ढूंढ निकाले हैं। नाम वगैरह कुछ नहीं है, एकदम छोटा सा सेटअप है और ये नई दुकान है नहीं, 40-50 साल पुरानी दुकान है। जब हम लोग ओनर से बात किए तो पता चला कि इनके नाना जी के टाइम से ये दुकान है, उसके बाद इनके पापा चलाएं और अब ये बैठ के चला रहे हैं। तो बस सबसे पहले आपको लोकेशन बताते हैं, अशोक राजपथ में हम लोग हैं। एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और यहाँ का जो लोकेशन है थोड़ा सा वो समझाते हैं, फिर चलते हैं भैया से बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ मेले में क्या कुछ मिलने वाला। इधर आप लोकेशन देख सकते हैं, अशोक राजपथ वाला रोड है, बिल्कुल सीधे चले आना है आपको। जो NIT घाट वाला मोड़ होता है उसमें मुड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधे चले आइए, गाय घाट की तरफ आपको बढ़ना है। ये जो रोड है ये सीधा चला जाता है गाय घाट की ओर, बट वहाँ तक जाना नहीं, उससे बहुत पहले ही है, सीधे आना है आपको। और इधर जो है एक मोंजिनीज़ मिलेगा, मोंजिनीज़ के बिल्कुल सामने में एकदम पतला सा ये गली है और इसी गली में कॉर्नर पर ये भैया बैठते हैं और यहीं पर सब कुछ बनता है। तो यही है यहाँ के अभी जो प्रेजेंट के ओनर है। भैया क्या नाम हुआ आपका? नाम संतोष कुमार हो गया। तो 40 साल पुराना दुकान है ये? नहीं, 40 साल पुराना दुकान है। आप बता रहे थे कि पहले आपके नाना जी चलाते थे? नाना जी बैठते थे, उसके बाद पापा जी बैठते थे और बाद हम बैठने लगे। आप कितना साल से हैं? अब मेरा बैठला हो गया 12 साल। 12 साल से आप है। और क्या क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ पर पहला मिलता है कलेजी, उसके बाद चिकन, उसके बाद मटन, उसके बाद कीमा, उसके बाद कलेजी। सब कुछ दिखा दीजिएगा, आप थोड़ा बिजी है फिर भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मटन है इसमें, आपका मटन ग्रेवी वाला आइटम जो है मटन हो गया। इसका क्या रेट होता है? 30 रुपये पीस है। 30 रुपये का एक पीस होता है? अच्छा। हर पर्सन मिला, सीना, नली, गर्दन, चाप सब मिलेगा, सब इसमें मिला हुआ है। तो इधर हो गया आपका मटन 30 रुपये का। और क्या है इसके अलावा? कलेजी देखा है, कलेजी है पहला आपका, चिकन कलेजी और मटन कलेजी दोनों मिक्स। मटन वाला कौन हुआ? मटन वाला ये हो गया। इसका क्या रेट हो गया एक पीस का? 7.5 रुपये पीस। 7.5 रुपये पीस। चिकन कलेजी है 25 रुपये पीस। अच्छा, चिकन का हो गया 25 रुपये पीस, मटन का 7.5 रुपये। ये आपका मटन कीमा जी, इसको अभी बनाएगा, इसका क्या रेट रहता है? 15 रुपये जोड़ा रहता है। 15 रुपये जोड़ा जी, इतना पीस लगेगा उतना दाम लगेगा। 7.5 रुपये पीस के हिसाब से मिलता है। अच्छा, इसका क्या प्रोसेस है? इस तरह से पानी में गीला करते हैं, थोड़ा चिकना करते हैं, गोल करेंगे उसको तो फट जाएगा, गरम तेल में डालेंगे ना। अच्छा, नहीं फटेगा। एक तरह ये तो मटन गोली हुआ ना एक तरह का, इसको मटन कीमा क्यों नाम है? कोफ्ता का ये, कीमा का ये, कबाब सब कहा जा सकता है। नहीं, कोफ्ता, कीमा, कबाब जो कहना कहिए। इसमें क्या क्या डालते हैं? ये भी उसमें मटेरियल पड़ता है, मिर्चा, आदि, लहसुन, प्याज, गोलकी, नमक, धनिया पत्ता, मिर्चा। मेन चीज़ तो भूलेंगे आप बोलना, मटन मटन। हाँ, इस तरह से थोड़ा सा ये पानी लगा के इसे गीला किया जा रहा है, अच्छे से गोल किया जा रहा है और फिर वहाँ रखा जा रहा है, अब इसे फ्राई करना है। इधर जो है, इधर हमारा मटन कीमा जिसे बोला जाता है यहाँ पर, वो फ्राई हो रहा है। वैसे आप मटन गोली भी समझ सकते हैं, कोफ्ता भी समझ सकते हैं। एक दिन में भैया कितना ऐसा लेकर आते हैं आप मटन गोली? 1-2 किलो। 2 किलो का कितना पीस हो गया? वो भी बनाएगा, अभी 20 पीस डाले इसमें। अच्छा, नहीं ऐसे 2 किलो में कितना पीस होता है? कभी कम भी, 150 भी हो जाता है, 100 भी हो जाता है। इतना ही मतलब लेकर आते हैं, जब ख़त्म हो गया तो बस ख़त्म, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे बताए थे कि 2-3 घंटे में सारा माल ख़त्म हो जाता जी। कलेजी आपका कितने देर में ख़त्म हो जाता है? कलेजी का कोई 1-2 बजे तक ख़त्म हो जाता है। 1 बजे आप खोलते ही हैं, 2 बजे ख़त्म जी। अच्छा, 1 घंटा में ख़त्म हो जाता है सारा स्टॉक? अच्छा, लोग पहले से ही नंबर लगाए रहते हैं जी। तो जो कलेजी, कीमा वगैरह ये सब है, 1 घंटे में ही आपका मटन जो है ख़त्म हो जा रहा है जी।
डिमांड आप समझ सकते हैं कि एक घंटे में ही जो मटेरियल है वो ख़त्म हो जाता है, जो मेन आइटम है यहाँ का, एक घंटे में ही साफ। ये जो कीमा है ये एक बार फ्राई हो चुका है फिर दोबारा फ्राई होता है, तो यहाँ जो कीमा है उसे डबल फ्राई किया जाता है, थोड़ा सा क्रिस्पी ज़्यादा हो जाए, अंदर तक पक जाए, इसलिए डबल फ्राई किया जाता है। कीमा है, मटन गोली है, मटन कोफ्ता है, फ्राई हो चुका है। इस तरह से आप देख सकते हैं एकदम थोड़ा थोड़ा सा सत्तू भरा जाता है, और ये कचौड़ी जो है बनाया ही जाता है मटन के साथ खाने के लिए, तो थोड़ा सा आपको सत्तू का फ्लेवर आएगा, थोड़ा सा मटन के ग्रेवी में मिक्स कीजिए उसका स्वाद लीजिए, तो बस एक बार बन जाए फिर किया जाएगा इसका टेस्टिंग। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले तो गोल गोल करके सत्तू डाल लिया जाता है, उसके बाद इस तरह से इसे चिपटा किया जाता है और फिर तेल में डाल के छाना जाता है। ये स्टाइल है यहाँ के कचौड़ी का, और एक का जो रेट है वो होता है 4 रुपये। तो इधर जो है ये कचौड़ी छन चुका है, और साइज़ भी आप देख सकते हैं कोई छोटा साइज नहीं है, तो 4 रुपये के हिसाब से बहुत सही साइज लग रहा है इस कचौड़ी का। ये आ गया हमारा कचौड़ी, सिर्फ लिट्टी भी लेता है तो उसको मीट का रस मिलता है साथ जी। अच्छा, क्या रेट हो गया इसका? इसका पड़ेगा 2 का 8 रुपया। 8 रुपये में मटन के ग्रेवी के साथ लिट्टी, ये भी एक नया चीज़ मिला है अभी हम देखे। कस्टमर आए, उनको सिर्फ लिट्टी लेना था, तो भैया बोले कि चोखा चटनी सब्जी नहीं है, यहाँ आपको मिलेगा मटन का ग्रेवी, तो अगर नॉनवेज खाते हैं तो ही आप यहाँ आ सकते हैं। हम लोग एक कस्टमर मिले हैं जो कि लिट्टी और मटन ग्रेवी खा रहे हैं। हम ये अब बहुत सालों से खा रहे हैं, बचपन ही से खा रहे हैं, मतलब टेस्ट अच्छा रहता है, पीस भी देते हैं, और मटन का पीस रहता है, कीमा रहता है, चिकन का पीस रहता है। तो फेवरेट कौन सा है? और हम चिकन ही का पीस लेते हैं। चिकन का पीस, हाँ। अभी तो आप लिट्टी लिए थे और सिर्फ मटन का ग्रेवी लिए थे, नहीं? हाँ। और आप लोगों को टाइमिंग बताना भूल गए हैं, 1 बजे से मिलता है, 1 बजे भैया आ जाते हैं सारा चीज़ अपना लेके, यहीं पर बनता नहीं है, बना के घर से लाते हैं, यहाँ पर बस बिकता है, लिट्टी वगैरह जो है वो यहाँ पे बनता है, बाकी सब कुछ घर से बना के लाते हैं। और कलेजी वगैरह खाना है तो आपको 2 बजे तक यहाँ पहुँच जाना है, 2-2.5 बजे तक पहुँच जाइए, 1 घंटा में सारा मामला साफ़ हो जाता है। तो कलेजी और जो इनका चिकन कलेजी, मटन कलेजी, दोनों ही चीज़ 1 घंटे के लिए मिलता है, और गोली भी बहुत कम टाइम के लिए मिलता है, बाकी मटन और चिकन जो ग्रेवी वाला डिश है वो लेट तक मिलेगा। और मंगल को या बृहस्पति को जैसा कि ये बताएं बंद रहता है, एकदम धार्मिक इंसान है, तो कोई भी पर्व त्यौहार रहा, कुछ भी वैसा दिन रहा, तो बंद रहने वाला है, और मंगल बृहस्पति को तो बंद रहेगा ही रहेगा। तो नंबर भी हम क्या करते हैं कि इनका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप लोग दूर से आ रहे हैं तो एक बार बात करके ही आइए, ताकि आप लोग भी आके परेशान ना हो। तो एड्रेस भी डाल देंगे, नंबर भी डाल देंगे, वैसे एड्रेस तो आपको बता ही दिए हैं, मोंजिनीज़ का जो एग्जैक्ट लोकेशन का लिंक है वो डाल देंगे, इसके बिल्कुल सामने में ही ये है। और भैया इस एरिया का क्या नाम बताए थे? राम सराय लेन ना, राम सहाय लेन, महेंद्रू राम सहाय लेन, यही है ये लोकेशन। अब चलते हैं, अपना भी आइटम जो है निकलवाते हैं, भूख बहुत लग गया है, बहुत देर से आके इंतजार कर रहे हैं, निकलवाते हैं और उसका टेस्टिंग करते हैं। इधर हम लोग अपना निकलवा रहे हैं, ये है 2 पीस लिट्टी लेते हैं और मटन कलेजी लेने वाले हैं, क्योंकि जो सब्सक्राइबर हमें यहाँ के बारे में बताए थे वो बोले थे कि कलेजी लिट्टी यहाँ का ज़रूर खाइएगा। तो तरीका देखिए क्या होता है, इस तरीके से थोड़ा सा ये ग्रेवी डाला जाएगा इसके ऊपर, मटन का ग्रेवी कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ मिलता है, 8 रुपये की लिट्टी के साथ भी आप साथ में मटन का ग्रेवी फ्री में पाइएगा। ये थोड़ा सा मसाला गया कलेजी वाला, ₹15 का जोड़ा है कलेजी, चलिए एक जोड़ा दे दीजिए। सबसे ज़्यादा आपका कौन सा आइटम बिकता है? कलेजी और लिट्टी। एक पीस इसमें हम लोग कीमा भी डलवाते हैं ज़रा टेस्टिंग के लिए, इस तरीके से तोड़ के कीमा दिया गया, और ये साथ में गया थोड़ा सा मसाला कीमा के ऊपर। अब करते हैं जल्दी से टेस्टिंग, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा है ऐसा कि हम लोग को कुछ लड्डू वड्डू दिया गया, ऊपर से थोड़ा सा रबड़ी डाला गया। नेक्स्ट निकलवाते हैं 2 लिट्टी और मटन का 1 पीस, और इसका भी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो जो कुछ भी है मटन का सब ट्राई करके जाएंगे यहाँ से। हड्डी वाला दीजिए, हड्डी वाला, नली वाला है क्या? बस 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 दे दीजिए भाई। साथ में आपको देखने में ये सांप जैसा कुछ लग रहा होगा, बट ये क्या होता है भैया? लड़बट। साथ में ये गया थोड़ा सा रबड़ी, जो कि है कलेजी का मसाला।
सर हमारा सबसे पहले हम लोग ये ट्राई करने वाले हैं कलेजी लिए, मटन का सब कुछ ले ही लिए हैं, तो इधर हो गया ये मटन कलेजी, ये हो गया मटन कीमा, सो कॉल्ड मटन कीमा, वैसे मटन गोली कहना ज़्यादा सही होगा, ये हो गया बढ़िया सा लिट्टी अंदर में डाला गया, गोलगप्पा टाइप लग रहा, तो इमली के पानी की जगह डाल दिया गया मटन का रस, और थोड़ा सा जो आलू डालते हैं वो थोड़ा सूखा सा होता है मसाला आलू वाला, उसके जगह डाला गया ये कलेजी का मसाला, तो एक समझिए कि ये गोलगप्पा है, नॉनवेज लवर्स का गोलगप्पा, स्पेशली मटन लवर्स का गोलगप्पा, ट्राई करते हैं। वाह वाह वाह, दो मिक्स्ड सा टेस्ट आया, बेसिकली तीन टेस्ट आया इसमें, एक आया इस लिट्टी का क्रंचीनेस, सत्तू का कोई खास स्वाद नहीं, सत्तू नाम का है, सबसे पहले आया लिट्टी का क्रंचीनेस, उसके बाद जो पतला वाला ग्रेवी डाला गया उसका थोड़ा सिंपल सा टेस्ट आया, वो बेसिकली इसे कोई बहुत फ्लेवरफुल नहीं बना रहा है, हल्का सा वो वेट कर रहा है कि आपको ड्राई ऐसा नहीं लगे खाने में, और मेन जो सबसे स्ट्रॉन्ग सा मसाला का टेस्ट आया वो ये ऊपर वाला, ये जो कलेजी का जो मसाला डाला गया सबसे स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट उसका आया, ओवरऑल एक बहुत ही नया सा पैकेज है और बहुत बेहतरीन सा, वाह बहुत बढ़िया। अब ट्राई करते हैं मटन कीमा, थोड़ा सा गया कलेजी का मसाला इसके साथ, प्राइस है 7.5 रुपये, स्टिल मटन का एकदम सही सा स्वाद आ रहा है, 7.5 रुपये के हिसाब से बहुत सही लगा, सिर्फ मटन का स्वाद ऑब्वियसली नहीं आएगा, बहुत कुछ डाला गया जैसा कि वो बताए थे आपको इनिशियली, बट बढ़िया लग रहा है, ऊपर से हल्का सा डबल फ्राई भी किया गया उस वजह थोड़ा सा क्रंचीनेस भी हो गया है, अंदर में आएगा आपको प्रॉपर मटन का स्वाद। अब जो सबसे ज़्यादा डिमांड है यहाँ जिस चीज़ का, मटन कलेजी, उसको ट्राई करते हैं, ये गया कलेजी हमारा इसके अंदर, और अब साथ में ट्राई करते हैं, अब जाके पता चला कि क्यों इतना डिमांड है, बहुत बेहतरीन, वाह इस तरह से मटन कलेजी जो है पटना में सिर्फ मटन कलेजी और शायद ही कहीं मिलता होगा, और लिट्टी का जो क्रंचीनेस है और चार चांद लगा रहा है, बहुत बढ़िया, वाह ये गोली और कलेजी में ज़्यादा मेरा प्रेफरेंस रहेगा कलेजी की ओर, गोली भी बढ़िया है बट कलेजी ज़्यादा बढ़िया लगा। अब ट्राई करते हैं मटन के पीस, नेक्स्ट ये हमारा प्लेट आ गया मटन का, मटन करी दिया गया है साथ में, ये अंदर में मसाला भर के लिट्टी, तो लिट्टी तो खैर बहुत ट्राई कर लिया, हल्का सा बस मटन का टेस्टिंग करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये सॉफ्ट है कि नहीं, 30 रुपये में मटन मिल रहा है, शॉकिंग सा रेट है, इतना सस्ता तो अभी तक हम लोग कहीं कवर नहीं किए हैं, वैसे मटन बहुत हार्ड भी नहीं कहेंगे, एकदम वो मक्खन वाला सॉफ्ट भी नहीं कहेंगे, मटन ठीक ठाक सा है, ग्रेवी पतला सा, मटन को हम रखेंगे एवरेज कैटेगरी में, हम मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सिर्फ लिट्टी भी खा सकते हैं, मटन के ग्रेवी के साथ मिलेगा, या आप कलेजी ट्राई कीजिए, कलेजी और लिट्टी ये अल्टीमेट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिलने वाला, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा लिट्टी, कलेजी और लिट्टी का, और मटन गोली का, मटन गोली भी बढ़िया था, तो इन दोनों को हम रिकमेंड करेंगे, मटन का पीस एवरेज सा मेरे हिसाब से है, और चिकन भी देखने में बढ़िया लग रहा था, फिर कभी आके चिकन भी ट्राई करेंगे, और पाया भी है, मटन पाया भी यहाँ मिलता है, तो कमेंट कीजिए अगर बोलिएगा तो फिर से एक बार आके मटन जो पाया है उसका वीडियो बनाएंगे और चिकन का बनाएंगे, आज के लिए इतना ही, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और उन सब्सक्राइबर को भी धन्यवाद जो इतने अच्छे अच्छे जगह के बारे में हम लोग को बताते हैं, फिर हम लोग आके खोजते हैं और फाइनली यहाँ आके वीडियो बनाते हैं, बहुत मज़ा आया, एक तरह का हिडन जेम, बहुत कम लोग को पता होगा इस जगह के बारे में, तो आइएगा ज़रूर, और कलेजी और लिट्टी यहाँ से खा के जाइएगा और स्वाद बताइएगा, ख़त्म करते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच।